हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2023 में माइकल ब्रेसवेल, जो कि न्यूजीलैंड की साइड से हमें भारत के खिलाफ पहले ओडीआई में बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आए थे, वो हमें अनसोल्ड जाते हुए नज़र आए थे। लेकिन अब आईपीएल 2023 में ब्रेसवेल का हमें रिटर्न होते हुए देखने को मिला है। कौन सी आईपीएल टीम में कितने प्राइस में खेलने वाले हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल में प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2023 में माइकल ब्रेसवेल हमें अपनी नीलामी का नाम देते हुए नजर आए थे, लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि इनके नाम को 160वें नंबर पर रखा गया था। और अगर आप लोगों ने आईपीएल 2023 की नीलामी देखी हो तो वहां पर 86वां जो प्लेयर था, उस प्लेयर के नाम के आ जाने के बाद हमें एक्सेलरेटेड ऑप्शन देखने को मिला था, जिसका मतलब है 160वें नंबर पर ब्रेसवेल की पोजीशन थी, तो इनका नाम भी एक्सेलरेटेड ऑप्शन में लिया गया था। तो इनका नाम कब आया और इनका नाम कब चला या किसी भी फैन को पता ही नहीं चला कि ये प्लेयर आखिर है कौन। खैर, आईपीएल 2023 के लिए 1 करोड़ का प्राइस इन्होंने सेट किया था, लेकिन 1 करोड़ रुपए में भी किसी भी आईपीएल टीम के द्वारा इनको परचेज नहीं किया गया। अब गाइस, अगर बात की जाए कि माइकल ब्रेसवेल आखिर टेबल के ऊपर लेकर के आते हैं, क्यों किसी आईपीएल टीम को इनको कंसिडर करना चाहिए, तो ऐसे में माइकल ब्रेसवेल की बैटिंग तो आप लोगों ने देखी ही, लेकिन एक्चुअल में एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। इनकी क्वालिटीज की बात की जाए तो सबसे पहले ये नियमित ओवर्स पर आपको विकेट लेकर दे सकते हैं अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के अलावा। 4 ओवर्स आप इनसे आसानी से सकते हैं। पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी, वो बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे में अगर आप लोग इनके स्टैट्स भी उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा विकेट्स ले पाते हैं। और ऐसे में जब भी कोई ऐसा ऑलराउंडर होता है जो बहुत ही ज्यादा विकेट्स लेता है और इस तरीके की हिटिंग करता है, तो आईपीएल में तो उसके बहुत ही ज्यादा पैसे उसके ऊपर उठाए जाते हैं। तो खैर, फिलहाल के लिए तो किसी भी आईपीएल टीम के द्वारा इनको परचेज नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ ये जो 140 रन की नॉक इन्होंने खेली 78 गेंदों पर, उसके बाद इनके ऊपर आईपीएल की काफ़ी सारी टीमों की नज़र हमें देखने को मिल रही है। अभी तो आईपीएल की टीम में हमें किसी भी रिप्लेसमेंट प्लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर किसी भी रिप्लेसमेंट या फिर बैकअप प्लेयर की आईपीएल 2023 में ज़रूरत पड़ती है, तो ये बात 100% कन्फर्म है कि माइकल ब्रेसवेल वो प्लेयर होने वाला है जिसके ऊपर सारी की सारी आईपीएल टीमों की नज़र रहेगी। अगर बात की जाए कौन कौन सी टीमों के सेटअप में हमें बिल्कुल परफेक्ट बैठते हुए नज़र आ सकते हैं, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स और उनके साथ ही पंजाब किंग्स, वो टीमें हो सकती हैं जिनके लाइनअप में ये सूट भी कर सकते हैं और किसी लाइक टू लाइक प्लेयर को रिप्लेस भी करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस की अगर बात की जाए तो क्योंकि ये रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर अनफॉर्चुनेटली रिटर्न करेंगे, तो ऐसे में सिर्फ 1 करोड़ रुपए में ही ये किसी भी आईपीएल टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो पहले शनाका और अब ब्रेसवेल ने प्रूव किया है कि आईपीएल में कुछ टीमों ने उनको इग्नोर करके काफी बड़ी गलती कर दी है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सी टीम में आप लोग इन्हें देखना चाहते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।